उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना गजरोला में 12वीं पास राधिका ने संभाली गजरोला थाना प्रभारी की कुर्सी। पूरे दिन देखा कामकाज। पुलिस के लिए शुक्रवार का दिन अलग छाप छोड़ने वाला रहा। यहां एक दिन की कोतवाल राधिका कौशिक बनी, जिन्होंने पूरे दिन बिना वर्दी के कोतवाल के अंदाज में कामकाज किया। दरअसल योगी सरकार नारी सशक्तिकरण पर अधिक जोर दे रही है। पढ़ाई में टॉपर छात्राओं को अफसरों से लेकर थानेदारों तक की कुर्सी सौंपकर कामकाज का अनुभव कराते हुए उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। पिछले दिनों रामपुर जनपद में इसी तरह डीएम एसपी समेत अन्य पदाधिकारियों की कुर्सियां संभाल कर छात्राओं ने बेहतर कामकाज करके मिसाल कायम की। कुछ इस तरह का मौका अमरोहा जनपद के गजरोला के मोहल्ला बस्ती निवासी पंकज कौशिक की पुत्री राधिका कौशिक को मिला। गजरोला कोतवाली की एक दिन की इंचार्ज रही राधिका ने इसी साल यस पब्लिक स्कूल से इंटर की परीक्षा पास की है। सुबह करीब 11 बजे से शाम तक की थाना इंचार्ज बनी राधिका कौशिक ने कोतवाल की कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। समर इंडिया के लिए गजरोला से भरत सिंह की रिपोर्ट। आज जो आप एक दिन के लिए थानेदार बनी, तो आपको कैसा महसूस होता है? आई फील टू गुड, लोगों की प्रॉब्लम समझ में आई, पुलिस की प्रॉब्लम समझ में आई, एंड दैट वाज टू गुड एक्सपीरियंस आई एवर हैड। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि पुलिस की बातें भी समझ में आई, मीडिया की महत्ता, पुलिस की महत्ता, एक्चुअली जनता का भी कितना पार्टिसिपेंट चाहिए होता है, वो भी आज समझ में आया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आज। अच्छा, आपको कब पता चला ये? ये मुझे कल शाम पता चला था, एंड दैट वाज अ ग्रेट न्यूज़। कल शाम 7:30 बजे के करीब मुझे पता चला। फिर उसके बाद पुलिस भी घर पर आई थी, उन्होंने बात की घर वालों से, मुझसे भी, कि आना है कल को। एंड सुबह तो बहुत ही एकदम रेपुटेशन सा माहौल था, इतनी रेपो मिली मुझे, मेरी फैमिली को भी, कि पूरी पुलिस फोर्स घर लेने आई। एंड देन एसओ सर ने बहुत सपोर्ट किया, सभी लोग बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा, जैसे कि आप आपसे कुछ दिनों पहले यस पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करती थी, आपकी एक वहाँ कार्यक्रम हुआ था अमर उजाला का, उसमें आपने पुलिस के ऊपर भी कहा था कि पुलिस काम नहीं करती। आज आप खुद पुलिस एक पद पर बैठी हैं, एक दिन की थानेदार बनी हुई, तो आप किस तरह से सोच रही हैं कि पुलिस किस तरह से काम करती होगी, कैसे कैसे लोग आपके सामने आ रहे हैं आज? अगर एक तरीके से देखा जाए, अगर मैं यहाँ का देखूँ तो यहाँ की पुलिस एक्चुअल में बहुत अच्छी है, एसएसआर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इतने पोलाइटली मैंने किसी पुलिस वाले को बात करते हुए नहीं देखा, जितनी पोलाइटली वो बात करते हैं, आप कर कर बात करते हैं। सो मुझे लगा कि हाँ, पुलिस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है, बट अगर जनता अपनी मैंटेलिटी नहीं सुधारेगी तो वो पुलिस का भी कोई काम, कोई रोल मायने नहीं रखता। आगे आपका क्या ड्रीम है? आगे मुझे एक्चुअल में राइटर बनना है, बट आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर ऑल्सो, मतलब आई वॉन्ट टू बी अ सोशलिस्ट, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क कर सकते हैं। आप किसी का इलाज कर सकते हो फ्री में, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, या फिर इतना स्लम एरिया है कि आप अगर वहाँ पर जाओगे तो आप अपनी पूरी लाइफ लगा दो तो भी आप उन लोगों को ठीक नहीं कर पाओगे। तो वही मेरा ड्रीम है, एक सोशल वर्कर बनना, एक राइटर बनना, राइटर लाइक सुकरात जैसे एक फिलोसफर थे, सो आई वॉन्ट टू बी अ फिलोसफर राइटर टाइप। जैसे कि आज आप इंदिरा चौक पे आपने चेकिंग भी करा था पुलिस के साथ जाके, आपसे कुछ दिन पहले आपको भी पता था कि पुलिस बहुत काम करती है, लेकिन आपने पुलिस पे उंगली भी उठाई थी। आज आपके सामने आप खुद एक दिन की थानेदार बनी हुई हैं, आपके ऊपर अभी जैसे आपने एक लड़की को रोका था, वो कुछ आपसे कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही थी, तो ऐसा क्या आपको लगा कि पुलिस किस तरह से, किस कठिनाइयों में काम करती होगी? मुझे यही लगा कि पुलिस को इंसानों से नहीं लड़ना होता, क्योंकि इंसान से लड़ना आसान है, पुलिस को उनकी मेंटालिटी से लड़ना होता है। और जैसा मीडिया है जो हमारे सामने पुलिस का रूप लेकर आती है, एक्चुअली वो इतना अच्छा रूप लेकर ही नहीं आती है। मूवीज़ देखो तो पुलिस खराब, आप पुलिस मतलब एक मूवीज़ में, सीरियल्स, मीडिया, सब जगह यही छाया रहता है कि पुलिस हमेशा लेट पहुँचती है, बट ऐसा नहीं है। हम खुद बहुत जल्दी पहुँचे हर जगह, हमने लोगों की बातें भी बहुत अच्छे से, सर भी सुन रहे थे, मैंने भी सुनी, तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। और ये भी मुझे लगा कि नहीं, पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, बट तो लोगों को मेंटेलिटी सुधारनी पड़ेगी। अब ऐसे में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से पुलिस की सपोर्ट करनी चाहिए? मैं यही कहूंगी कि आप अपनी मेंटेलिटी को सुधारिए, आप अपना खुद ध्यान रखिए ना, मास्क लगाना है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो पुलिस को डंडे ना मारना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। हेलमेट लगाना है तो वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है ना। और आप शिकायतें लेकर आते हैं तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं पुलिस वाले, पुलिस पर बहुत ऊपर से प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि जो जनता सोच भी नहीं सकती, है ना, ट्रांसफ़र करवा देंगे या जो कुछ भी रहता है, मैं नहीं बोल सकती,
जो भी प्रेशर है, तो उस प्रेशर की वजह से वो लोग काम तुरंत नहीं कर पाते, सडनली नहीं कर पाते, बट हाँ एक सतत प्रक्रिया होती है जिसके तहत वो धीरे धीरे काम करते हैं। आज आपने कौन सी समस्याएं सुनी? आज एक लड़की अभी आई थी, दैट वाज अ प्रॉब्लम, उसके भाई का ही प्रॉब्लम था कि भाई मारना चाहते हैं, वो जो भी था। और दूसरा एक प्रॉब्लम था, सुबह कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रहा था, वो एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम थी। एंड और भी कई सारी प्रॉब्लम थी, एक एक्सीडेंट हो गया था, यही प्रॉब्लम्स मैंने आज देखी। और दो महिलाओं के भी मुकदमे थे, एक तो एक को तो दहेज उत्पीड़न में जला मार दिया गया, उसको तो बहुत अफसोस है। और दूसरा एक और था कि उनकी परमो नाम था, वो उनका वो करा गया, उनकी ज़मीन जो है हड़पी गई। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं? महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बी स्ट्रॉन्ग, पर अंदर से आपको रूड नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग होना है, डोंट बी रूड, क्योंकि हर इंसान बुरा नहीं होता और हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। तो आप इंसान की नीयत तो खैर पता चल ही जाती है, आपको देख कर ही इंसान को पता लग जाता है कि वो कैसा है सामने वाला, तो उसी हिसाब से आपको बिहेव करना है। पुलिस आपका सपोर्ट करे तो आप भी पुलिस का सपोर्ट करिए, ज़्यादा लिबर्टी मिलने से आप ये ना करिए कि आप पुलिस से ही झगड़ने लगे, क्योंकि पुलिस मास्क और किसी भी चीज़ को कह रही है तो ऑब्वियसली उनका काम है और उन्हें वो कहना पड़ रहा है। अगर आप ऐसे लड़ेंगे और वो उन्होंने आपको ऐसे ही छोड़ दिया गुस्से में आकर, मैंने देखा पुलिस को भी गुस्सा आ सकता है, मुझे भी बुरा लग रहा था कि यार इससे अच्छा तो छोड़ो इनको रहने देते, बताते ही नहीं है, बट अगर पुलिस ऐसा करने लगे रियलिटी में तो बहुत दुर्घटनाएं होंगी। आपको भी समझना चाहिए और यही है कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप पुलिस को पुलिस के संपर्क में रहिए, ऐसा नहीं है पुलिस आपको घर तक भी छोड़ने आएगी अगर आपका बिहेवियर सही होगा तो, और आपकी शिकायत सही है तो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पकड़ कर ले आए और उसकी शिकायत कर दें कुछ भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस बहुत सपोर्टिव है, आप भी थोड़ी सी सपोर्टिव बनिए। सर बताइए, जो यहाँ जो गजरौला थाने में प्रभारी बनी है, क्या है ये? आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है और 20 नवंबर को ये दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार हमने बालिकाओं को सशक्त करने के लिए, जागरूकता जगाने के लिए बालिका सुरक्षा और महिला सुरक्षा के संबंध में हमने ये कार्यक्रम थाना गजरौला पर आयोजित किया है, जिसमें कि एक दिन का थानेदार बनाया गया है एक बालिका राधिका को, और उनसे थाने की कार्रवाई करवाई जाएगी एज अ इंस्पेक्टर, और उनको और उनके साथियों को थाने की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और उनके द्वारा क्षेत्र में भ्रमण करके कोरोना COVID-19 और बालिका सुरक्षा और महिला सुरक्षा के संबंध में, अपराध नियंत्रण के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। अच्छा सर, अभी बच्ची से कोई बात अभी बात हुई है जब जिस दिन थाना जैसे कमान संभाली उसने, आपने उनसे क्या बातचीत की है, क्या दिशा निर्देश दिए? जी, जैसे ही राधिका ने थाने का चार्ज लिया उससे मैंने बात की, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उनसे भी जानकारी चाही कि वो क्या करना चाहेंगी थाने में, तो उनका कहना था कि वो बालिका सुरक्षा के संबंध में कार्यवाही करना चाहेंगी और कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करना चाहेंगी। इस पर मेरे द्वारा उन्हें एंटी रोमियो टीम की मीटिंग लेकर उन्हें भी जागरूक करने के बारे में बताया है और क्षेत्र में भ्रमण करने के बारे में बताया है, इस पर आगे वो कार्यवाही कर रही हैं और बड़ी ही एक्टिव बल्ले बालिका है। अच्छा कार्य करें।